हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। सो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपके बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन होते हैं, और जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड लो मार्क्स का रहा है। मतलब लास्ट टू लास्ट ये बहुत ही कम मार्क्स तक एडमिशन आपको दे देते हैं, और ऐसा कई सालों से मैं देखते हुए आ रही हूँ, और इसी वजह से मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बार सजेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे डेली यूनिवर्सिटी और BHU के बारे में तो जानते ही हैं कितने क्या मार्क्स पे वो एडमिशन मिलता है, बट और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया उनके पास कम होता है। सो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। इनकेस अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जब भी अपना पोर्टल ओपन करेंगी हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि इतने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसमें NAC ने A++ ग्रेड भी दिया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे आप बेसिकली प्लेसमेंट के बारे में भी अगर सुनोगे तो प्लेसमेंट भी यहाँ पे हर बार आता है, 5 LPA 6 LPA तक, अगर 5 LPA तक का तो आता ही आता है। तो बेसिकली इन्होंने अपना प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया है। बेसिकली ये जो प्रोसीजर किया गया है शुरू, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका जो OBC और जो ये बच्चे हैं इनके लिए, ये जो EWS और जो ये UR वाले बच्चे हैं इनको 250 रुपीज़ देना है, और जो SC ST और PWD वाले बच्चे हैं उनको 100 रुपीज़ देना है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन, मतलब ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी वहाँ जा करके, और आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना है, और आपको एडमिशन भी ऑनलाइन ही लेना है। कैसे होना है वो यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे लिंक आप देख सकते हो, इन लिंक पे होना है, समर्थ पोर्टल पे यहाँ पे जा करके आपको इनका लॉगिन करना है। कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। तो देखो, यहाँ पे आपका जो एडमिशन प्रोसेसर और काउंसलिंग का प्रोसेस है ये 7 अगस्त से शुरू हो चुका है। 7 अगस्त से इनका स्टार्टिंग है, और पोर्टल के माध्यम से आप प्रॉपरली यहाँ पे जो प्रोसेस कर सकते हो वो प्रोसेस यहाँ पे 7 to 16 तक का है, मतलब 16 अगस्त तक लास्ट डेट है। आप 16 अगस्त के पहले पहले यहाँ पे अपना प्रोसेसर कंप्लीट कर देना। देखो, यहाँ पे बच्चे कई सारे पूछ रहे होंगे कि मैम कितने मार्क्स तक। देखो, अगर 250 प्लस मार्क्स है ना, आराम से 250 मार्क्स हैं, आराम से यहाँ पे एडमिशन कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रोसेस कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, आपका एडमिशन यहाँ होने का चांस बन सकता है। इवन अगर सच्ची बोलूँ, ये कहते हुए थोड़ा सा वो लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं पता चले 170 ना जाए, किसी किसी प्रोग्राम में 170-150 मार्क्स पे भी एडमिशन बेटा यहाँ पे मिल जाता है UG वाले बच्चों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देख सकते हो, तो इतने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आराम से आप यहाँ पे देख लो, इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। फिर यहाँ पे जो सूची की घोषणा है, मतलब कि आपको जो प्रोसेस किया जाएगा, जो यहाँ पे मेन नॉर्मल जो एक मेरिट लिस्ट आती है वो 21 अगस्त को आएगी शाम 5 बजे तक। फिर यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे होंगे, मतलब 21 अगस्त को जो लिस्ट आएगी, उन वाले बच्चों को यहाँ पे शुल्क, मतलब आपको जो शुल्क देना होगा, बेसिकली ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, और अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश और शुल्क जमा करने के लिए प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग, जो ऑफलाइन काउंसलिंग आपको होगी वो 29 को जाना होगा। 29 अगस्त को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का यहाँ पे प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। फिर सेकेंड जो प्रोसेस होगा वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा शाम 4 बजे से। फिर यहाँ पे आपको जो 30 अगस्त से स्टार्ट होगा वो जो प्रोसेस है वो आपको 4 तारीख तक कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो थर्ड जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू होगा 6 तारीख को, और जो 4 तारीख को प्रोसेस करनी है बेटा वो भी उसमें जा करके ही करना होगा। यहाँ ये होता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड काउंसलिंग आपका 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका यहाँ पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराना होगा 10 सितंबर को। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना, 9:30 से 11:30 बजे तक का आपका टाइमिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से आवेदकों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कट ऑफ अंकों के बारे में सूचित करेंगे, और 22 अगस्त जो है वो 5 बजे या उससे पहले काउंसलिंग के पहले दौर के लिए उम्मीदवारों को ईमेल भेजेंगे। तो देखो, अगर आपका यहाँ पे नाम आएगा ना, तो आप तक वो जो मेल है वो आप तक पहुँचेगी, और उस मेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आओगे। क्या क्या लेके आओगे वो यहाँ पे देख लो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट है, CUET UG आवेदन पत्र, मतलब जो यहाँ पे आपने CUET का डाला था, और जो CUET का स्कोर कार्ड है वो, और जो यहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन फिल किया था वो, और सेमेस्टर जो आपका हुआ है, आप मतलब 10th 12th जो भी हुआ है आप उसका भी लेकर के आना है प्लीज। फिर यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि किन किन बच्चों को PWD है और किन किन बच्चों को यहाँ पे लाना है डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझ लेना, इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना। यहाँ लिखा हुआ है काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, मतलब जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी करी जाएगी। मतलब इनकेस
ऐसा होता है जो मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सीवीटी अंकों में किसी भी तरह से बराबर होने की स्थिति में अगर आपका टाई अप हो गया है, एक नंबर पे दो बच्चे हैं, तो आपका 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसके मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना। और इसमें भी अंक बराबर होते हैं तो उम्र में बड़े छात्र को अगर अगर उसमें भी जैसे 12th और 10th में भी अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो जो आपका एज है, एज जिसका बड़ा होगा उस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, और किसको किसको क्या क्या ले जाना है तो वो चीज़ यहाँ पे इनका प्रॉस्पेक्टस जो है, ये जो इनकी लिस्ट है, इस लिस्ट को पहले देख लेना, इस लिस्ट को समझ लेना। इसमें वही लिखा हुआ है कि कब से कब तक का जाना है, फर्स्ट फेज़ वाले, सेकेंड फेज़ वाले और थर्ड फेज़ वाले बच्चों को, तो ये चीज़ देखना और थोड़ा समझ लेना। अभी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये जो इनके पास साइट दी हुई है ना, इसी साइट पर, ये जो समर्थ पोर्टल वाली साइट दी हुई है ना, आप डाल दीजिएगा http://@ggu, तो आपका तुरंत आ जाएगा cuet.summer.edu.in, ऐसे डाल करके आप आगे प्रोसेसर कर सकते हो, ठीक है। चलो, इनकेस कोई डाउट, इनकेस कोई कन्फ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको हर एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट हो तो हम आप तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू सो मच।